नमस्कार, मैं हूं ललिता। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। चले डालते हैं एक नजर सुबह की ताजा खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में करेंगे चुनावी रैली। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को दिया जाएगा खेल रत्न अवार्ड। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलावती पर होगा। परिवहन विभाग ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। रायपुर शहर में अब बसों की नो एंट्री, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। भाटागांव के स्टैंड तक ही जाएंगी यात्री बसें। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को घर से बाहर ना निकलने की दी सलाह। त्रिपुरा हिंसा के विरोध में निकाले जा रहे जुलूस के दौरान पथराव, नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में बिगड़ा माहौल। रायपुर के तेलघानी नाका मकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। रेल यात्रियों को बड़ी राहत, कोरोना से पहले की तरह सामान्य तरीके से दौड़ेंगी सभी स्पेशल ट्रेन, 30% तक घटेगा किराया। मशहूर हस्तियों पर रेप का आरोप, दाऊद के गुर्गे की पत्नी ने पुलिस से की शिकायत, इसमें क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और मुनाफ पटेल का भी नाम। कंगना रनौत के खिलाफ थाने में शिकायत, सीएम भूपेश बघेल बोले पूरे देश से मांगे माफी, आजादी के लिए जान देने वालों का किया अपमान। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।